सो हे गाइस, गेम ऑफ बॉय हियर। तो आज भी हम बात करने वाले हैं क्या जादूगर है क्या, तेरे घर पे जादूगर आया था? बहुत ऊपर है। सो हेलो बुजिंस, कैसे हो आप? फिर स्वागत है उसका एक और वीडियो में। और आज कुछ मैं आपसे बता नहीं सकता कि दो गेम प्ले फिर क्या सीन है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे गेम खेले लेकिन यार रैंक पुशर्स की लो भी आ रही है। हर कोई रैंक पुश करना चाह रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ हेड में, मतलब ऐसा भी नहीं कहते कौन क्यों टाइप हो जाए, नहीं यार बंदे मिल ही नहीं रहे थे, मतलब बॉट इतने मिल रहे थे ना क्या बताऊँ। एक मैच मैंने शायद मैं सोलो से स्क्वाड खेला था, उसमें मैंने नो बॉट मार दिए थे यार, इतना इजी ले गया था मैं कि रियल प्लेयर्स को भी बॉट ही समझ रहा था और मरा हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह मरा हूँ। अब क्या ही कर सकते यार देखो, और लेकिन जितने भी गेम मैंने खेले ना सब में भले ही बंदे ना मिले हो लेकिन जब भी मिले हैं ना तो बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स मैंने रिकॉर्ड करे जो कि आपको देख के मजा सा आ जाएगा। तई किचन डिनर हुआ नहीं वो तुम्हें देखने को मिलेगा कि क्यों क्यों नहीं हुआ। अब ये वाला गेम थोड़ा सही जाता है जो कोई जो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लूटने आया था, यहाँ पे मेरे को प्रॉपर सारी गन्स मिल जाती है, वेस्ट मिली थी लेवल लेक की बनियान जो कि इतनी तगड़ी है नहीं, लेकिन कोई नहीं मैं यहाँ पे वेट करता हूँ फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनना। और मुझे यही लग रहा था कि हाँ भैया सामने से बंदा आएंगे, नीचे से यहीं पर टीपी भी लेते हैं। इसे मैंने जैसे ही मारा साइड वाले घर से एक बंदा मेरे को मारा था। जल्दी से मैंने अपने तीनों गल सिक्योर करे, इनका चौथा बंदा शायद यहाँ पे आया नहीं था, ये ट्रैवर्स स्क्वाड खेल रहे थे, मतलब ट्रैवर्स स्क्वाड खेल रहे थे, तीनों ही मर जाते लेकिन इनका चौथा बंदा भाई पता नहीं मुझे कहाँ से करा रहा था। देखो यहाँ पे मैंने लूट लिया अच्छी तरह, मुझे बैरल मिल चुकी थी और मैं आता यहाँ पे थोड़ा इस डिस्ट्रिक्ट के पास कि भाई गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन नहीं भाई यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी तो मैं थोड़ा आ जाता स्टेडियम के पास, यहाँ से मेरे गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी पकड़ के मैं आता थोड़ा विलेज साइड, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप दिखा तो मैं सोचा लूट लेते और यहाँ से मुझे मिलती है MK14। और मैंने सोचा भाई अब बहुत एग्रेसिव खेलना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा ना यार बहुत देर से मतलब बंदे मिल ही नहीं रहे थे यार, कहीं पर भी कितना कुछ ढूंढ लो लेकिन किल फील्ड में ऐसे भैया गोली गोली चले जा रही, लेकिन वैसे बंदे दिख रहे हैं। अब देखना यहाँ पे मेरे कुछ आवाज आती है, UMP-45 और M4 की आपको आवाज आ गई होगी तो मैं भी बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई कोई तो कस्टमर आए, इतनी देर से मक्खी मारा था बोट मारा था मैं। आता यहाँ पे पहाड़ के पास ऊपर मेरे को एक दो बंदे दिख जाते हैं, एक दो क्या बहुत सारे दिख जाएंगे देखना। मैंने सोचा था मैं इसको नॉक कर दूंगा पर ये टेलीपोर्ट हो गया, पर इस वाले बंदे को मैंने अच्छी तरह अपने झांसे में फंसा लिया। अब देखो जल्दी से मैं नीचे आता हूँ, मैंने सोचा इसको भी गाड़ी से मारूंगा लेकिन फिर मैंने वापस सोचा भैया MK14 है और देखना ये बंदा मुझे लगा टीम अप करना चाह रहा है, देखा ना उछला था एकदम से तो मैं भी थोड़ा स्लो हुआ लेकिन फिर ये शूट कर दी थी इसने M4। मैं समझ गया भैया अब मौका नहीं दूंगा भले कुछ भी सीन हो, क्योंकि यार ऐसे स्कैम मेरे साथ बहुत बार होते रहते हैं, टीम अप के नाम पर बंदे पेल कर जाते हैं पीछे से पता भी नहीं चलता। ये गया गाड़ी से और अब इनके आखिरी बंदे की बारी, और चलो एक स्क्वाड तो मेरे हाथ लगे, अब इनको तो मैंने मार दिया। और देखना मैं इनकी क्रेट लूटने जाता हूँ ना, मुझे आती है बग्गी की साउंड है ना, आपको भी आ गई होगी। मैंने सोचा देखते भाई क्या सीन है, मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ, मुझे लगा भाई एकदम से रश हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी और स्टंट देखना लोंडो के, भाई साहब बग्गी कभी कुदा के लेके जा रहे हो और ये भी भाई टेलीपोर्ट हो रहे थे। मैं सोचा यार क्या यार दो दो बग्गी तो नहीं जा रही, लेकिन यार एक ही बग्गी थी, मैं इनके पीछे घुमा देता हूँ क्योंकि मेरे पास थी MK14, मतलब कतई कॉन्फिडेंट था कि हाँ भले दो बंदे आ जाओ देख लेंगे कुछ करके, क्योंकि रिस्क को लेना यार अपन कंटेंट क्रिएटर्स है। तो मैं जल्दी से गाड़ी लेकर इस तरफ आता हूँ, इसकी एक गोली लगती है मेरे को और अब देखना ये रोकते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को, मैं भी रोक लेता हूँ। और मैं समझ चुका था कि भाई मेरा होने वाला है किल चोरी, क्योंकि अपार्टमेंट में जहां से मैं भी आया हूं ना भाग के वहां पे भी पूरी एक स्क्वाड है। तो पहले मैंने अपना किल सिक्योर करा जो कि सिक्योर करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, और चोरी करने हो ना तो उसमें तो और भी एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता था इसका दूसरा टीममेट यहीं कहीं है क्योंकि उसकी भी हालत टाइट हो रखी है, पीछे से वो बंदे मार रहे हैं यहाँ पे मैं हूं MK14 लेके। अभी से मैंने जल्दी से मारा अपना किल सिक्योर करा और अब मैं जाता हूँ वहाँ पे अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि वहाँ देखना मैं तो जाने वाला था लेकिन मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। जरा सुनो और मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे किसी ना किसी के पास तो एस्ट्रल के जरूर है, यहाँ पे मैंने प्री फायर दिया, मैंने सोचा उस बंदे को मैं मारूंगा लेकिन नहीं।
वापस से फ्री फायर देने का ट्राई करा, फ्री फायर का उस पर एम ही कर रहा था मैं, लेकिन वो निकल गया और मैं भी समझ चुका था भाई इस बंदे को पता चल चुका है मेरे पास MK14 है और ये भाई कतई मेरे को मतलब उतावला करे इस पर रश करने के लिए, जिसे TPP ले और कतई 2-3 एस्टल के छाप दे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी करना चाह रहा था। तो मैं बस इसके फुटस्टेप्स को फील कर रहा था, मिनी मैप में इसके फुटस्टेप्स देखो, और अब मैं करता हूं भाई इस पर अंधा पुश, क्योंकि मेरे पास थी MK14, मैं नहीं चाहता था भाई कि ये गन लेके भी मेरी फटे। वो अलग बात है, फटी बहुत थी मेरी यार, क्योंकि एस्टल के भाई बहुत खतरनाक गन है, देखो कितनी हेल्प पहुंचा दी इस बंदे ने। लेकिन जो भी, मैं अब जल्दी से हील कर लेता हूँ और अब मैं जल्दी से मेरे को निकलना था, क्योंकि मैं था कभी कॉन्फिडेंस में नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में। देखो जैसे मैं यूएस में बैठने जाता हूँ, M24 बढ़ती है पट्टे से, लेकिन जल्दी से मैं अंदर से गया क्योंकि मुझे लगा मेरी यूएस में ना धुआं निकल गया, लेकिन मैं गलत था भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पता नहीं मेरी को कुछ भी दिख जाता है। अब जल्दी से मैंने सोचा बग्गी ले लेता हूं मैं, कोई बात नहीं, बग्गी थोड़ी तेज भागती है। मैं यहां पे मैं आया और कार नाइटेड वगैरह भी चल रही थी, तो मैं सोचा एक दो बंदे ही होंगे यार, देख लेते हैं। लेकिन मैं जैसे जाता ना, मुझे पता चलता मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया। और यहाँ पे हमारी पेटी बिल्कुल बन के तैयार, देख सकते हो आप लोग, तीनों बंदे लूट रहे हैं तो मस्ती मजे ले रहे थे। अब जो भी मैं जल्द से आया था इस वाले गेम में फैक्ट्री में, और डुओ खेल रहा था मैं, और यहाँ पे आती है शायद एक टीम, देखना आपको दिखेगी, आती तो वैसे 2-3 है, लेकिन सबको भैया गन नहीं मिलती, इसलिए सारे साइड वाले घरों में खिसक लेता। मेरे को मिली M4, सामने दिखा बंदा, और चलो एक टीम का तो यहाँ पे खल्लास हो चुका था, और मैं अभी यही सोच रहा था कि हाँ शायद एक ही टीम आई होगी और बंदे नहीं आए होंगे, मतलब फैक्ट्री आते ज्यादातर। लेकिन मैं जैसे ऊपर आता हूँ, मुझे आती है बाइजन की आवाज, और मैं अपना मस्त हील करते करते जा रहा था इस तरह, और मैं देखता हूँ भाई गाड़ी निकली पड़ी है और मुझे बंदा भी दिख जाता है। हल्का से दिखा था, शायद ही आपको दिखा होगा, क्योंकि भाई 480p अभी भी ज़्यादातर डिवाइस में 480p दे रखा है यूट्यूब ने, तो यार मेरी गलती नहीं यार, 720p अवेलेबल होता तो आपको जरूर दिख जाता। अब देखो मुझे पता था उस तरह बंदे गाड़ी लेके नीचे वाले कंटेनर्स में वो पहुंच चुके हैं, तो मैं भी साइड से गाड़ी पकड़ दूँ, कि ये ऐसी जगह है फैक्ट्री, यहाँ पे भाई इतनी गाड़ियाँ मिलती है ना जिसको हद नहीं, 3 गाड़ी तो यहीं पर रहती है गैराज में, एक तो और एक थोड़ा इस साइड में आप समझ गए होंगे, और एक नीचे कंटेनर्स के पास, तो आप समझ सकते हो भाई कितनी गाड़ी यहाँ पे यार, इतनी थर्डल के पास दे दो क्या कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। अब जो भी देखो मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से निकलने की बस सोच ही रहा था तभी नीचे की तरफ हो जाते हैं इस दंगे, तो मैं चल देता हूँ यार जल्दी से, क्योंकि एक टीम ने एक टीम को मारा और अब हम रश कर देते हैं। तो एक को तो मैं गाड़ी से नॉक कर देता हूँ और दूसरे को हथियारों से देखेंगे, और चलो गाइस ये वाली टीम तो मारी जाती है। अभी इनके क्रेट्स में आराम से लूट लेता हूँ, और साइड में जो यूएस थी ना वो वाली यूएस लेके जाते, क्योंकि अभी जो यूएस लेके मैंने इन पर रश करा था ना वो यूएस यार 10 सेकंड पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा भाई नई यूएस ले लेते हैं। अब ये यूएस लेके मैं तो सेंट्रल रोड के पास इस वाले ड्रॉप के पास, मैंने सोचा ड्रॉप लूट लेते, और ये पता नहीं भाई अंडरग्राउंड क्यों रहते हैं ड्रॉप। अब यहाँ पे मेरा टीममेट एक को नॉक कर देता है, लेकिन एक और बंदा भी आपको दिख गया होगा, मैंने मेरे टीममेट से कि मैं संभाल लूंगा टेंशन मत ले, एस्ट्रल के है, लेकिन जरा देखो भाई मैं क्या करता हूँ या फिर मेरे साथ क्या होता है, देखो और आपने देखा ना 2 एस्टल के छर्रे तो मैंने पूरे इसके मुंह पे मारे थे, मतलब पूरा जो स्प्रेड होता है ना एस्टल की गोली का वो पूरा इसके मुंह पे गया था, लेकिन बाकी के दो भी मैंने देखो, मतलब 4 एस्टल के तो इसके छाप ही दी थी, जिनमें से कि 2 तो पूरी प्रॉपर मुंह पे गई थी, लेकिन फिर भी यार बंदा नॉक ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या ही सीन है। टेलीपोर्ट हो गया था मैं हल्का सा, मेरे ख्याल से जब टेलीपोर्ट होता है ना तो डैमेज जाता। अब देखो मैं गाड़ी लेके आया इस तरफ, यहाँ पे नीले वाले घरों के पास मुझे दिखते हैं यूएस, और रंग बिरंगी का यूएस हो रखी है भाई ये, लेकिन बंदे के मेरे को एक भी फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं है। और मेरा फ्यूल पे नजर डालो, गाड़ी ही रुक जाती है और क्या ही कर सकते हैं। अब देखो मैंने सोचा कि ये वाली यूएसी ले लेते हैं रंग बिरंगी, यही लेके चल देंगे यहाँ से, लेकिन मैं जैसे ही पास आता हूँ ना भाई बंदों की फुटस्टेप की आवाज़ आने लग जाती है इस बार। और देखा ना आपने पीछे से भी एक बंदा परेशान करा था, जब मैं इस बंदे को मैंने पूरा फिनिश करा, देखो शायद आपको बंदा दिख गया होगा, शैक की तरफ देखना साइड सामने आपको जो दिख रहा है शैक,
वहाँ पे आपको शायद दिख गया, बंदा उतर के मेरी तरफ रश कर रहा था। मैंने सोचा बढ़िया भाई तू कर रश, यहाँ पे मैं देखो क्रेट वगैरह थोड़े मतलब छानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा उस बंदे पे फोकस करता है, लेकिन देख नहीं बंदा कैसे टेलीपोर्ट होएगा, मैं इसके स्प्रे मारने जाता हूँ और मैजिक भाई। नीचे वाले ने फेल दिया, पर आ रहा है तेरे पास।